वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वर्ल्ड कप के बाद से ही भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच टकराव की खबरें आ रही है। ऐसे में ये मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा। विराट कोहली से पूछा गया कि रोहित से उनके टकराव वाली खबर में कितनी सच्चाई है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार कर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद से ही उनके और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच दरार की खबरें सामने आ रही है। रोहित शर्मा के साथ अनबन की खबरों पर विराट कोहली ने कहा, मैंने हाल ही में मीडिया में काफी खबरें सुनी है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि टीम का माहौल ठीक है और तभी टीम अच्छा कर रही है। अगर टीम के अंदर चीजें सही नहीं होती, हम वो सब हासिल नहीं कर पाते जो हमने किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम गेम जरूरी होता है। विराट कोहली ने पत्रकारों से कहा कि आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना अच्छा है, कुलदीप यादव और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ियों के साथ कैसे मजाक किया जाता है। विराट ने कहा, मुझे नहीं पता कि रोहित और मेरे बीच कौन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मुझे नहीं पता कि ये रिपोर्ट्स कैसे चल रही है। हमारी निजी जिंदगी को बीच में घसीटा जा रहा है। विराट कोहली ने कहा कि मुझे अगर किसी से परेशानी होती है तो वो मेरे चेहरे पर दिख जाता है। मेरे और रोहित में सब कुछ ठीक है।